आज हम ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं और इसे मैं अपनी बनाई हुई पीडीएफ के हेल्प से समझाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए इस कोर्स का कंटेंट देख लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, देन सब ग्रुप, उसके बाद हमारा क्लाइंट ग्रुप, देन टॉर्शन ग्रुप, फिर हमारा साइक्लिक ग्रुप, देन ZN ग्रुप, उसके बाद हमारा कोसेट, देन सेंटर ऑफ ग्रुप, देन नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, उसके बाद हमारा नॉर्मल सब ग्रुप, देन हमारा क्वार्टर्नियन ग्रुप, उसके बाद है जनरल एंड स्टैंडर्ड लीनियर ग्रुप, देन हमारा परम्यूटेशन ग्रुप। और परम्यूटेशन ग्रुप में हम सिमेट्रिक ग्रुप एंड अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद है हमारा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, देन UN ग्रुप, उसके बाद हमारा डायहेड्रल ग्रुप, देन कॉन्जुगेट क्लास, आफ्टर दैट क्वेश्चन ग्रुप, देन हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड देन साइलोस पैकेज। ओके, और ये जो आपका ग्रुप एक्शन है ये इस पीडीएफ में इंक्लूड नहीं है, इसे मैं जो हमारा पीडीएफ का सेकंड एडिशन आएगा उसमें मैं इंक्लूड करूँगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो ग्रुप थ्योरीज पढ़ने से पहले हम आयलर फाइव फंक्शन के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। ओके, सो आयलर फाइव फंक्शन क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, और इस सेट में हमारे वो एलिमेंट्स होंगे जिनका जीसीडी इस एन के साथ क्या रहा, वन। ओके, दैट मीन्स इस सेट में वो नंबर्स होंगे जो कि एन के साथ को प्राइम होंगे। ओके, और उस सेट की कार्डिनलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे फाई ऑफ एन। ओके, और फाई ऑफ एन निकालने के फॉर्मूला भी हमारे पास, हम क्या करेंगे जो हमारा नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ओके, देन ये जो आपका फॉर्मूला है इसे यूज़ करके हम फाई ऑफ एन निकाल सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं डिवीजर फंक्शन टाउ ऑफ एन। ओके, सो टाउ ऑफ एन क्या होगा? नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ एन, ओके, इंक्लूडिंग वन एंड एन इट्सेल्फ। ओके, दैट मीन्स कोई अगर हमारा नंबर है उसके कितने डिवीजर्स होंगे, है ना, उन डिवीजर्स का नंबर क्या कहलाएगा हमारा, टाउ ऑफ एन। ओके, सो इसे भी निकालने का हमारा फॉर्मूला है, हमें क्या करना है उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, देन ये फॉर्मूला यूज़ करके हम टाउ ऑफ एन निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा। ओके, सपोज वो सेट क्या है, जी, देन उस सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा। सपोज उस बाइनरी ऑपरेशन को हमने क्या लिखा है, स्टार। ओके, सो अगर वो सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है, फर्स्ट हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड हमारी एसोसिएटिविटी, थर्ड हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, सो अगर वो सेट अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, देन हम उस अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स जी स्टार, ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। ओके, चलिए अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। फर्स्ट हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, सो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और फिर उसका ऑपरेशन कराएंगे आपस में। सो जो रिज़ल्ट आएगा वो अगर इस सेट जी में बिलोंग करेगा, देन हम कहेंगे कि जी इज़ क्लोज अंडर दैट प्रॉपर्टी। ओके, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कोई भी आप तीन एलिमेंट लीजिए सेट का, सपोज हमने ले लिया ए बी सी, हमने ले लिया उस सेट जी का, अब क्या करेंगे हम उसे इस तरह ऑपरेट कराएंगे, ए स्टार बी स्टार सी। ओके, दैट मीन्स पहले आप बी स्टार सी का ऑपरेशन कराइए, जो रिज़ल्ट आएगा उसे आप ए के साथ ऑपरेट कराइए, फिर जो टोटल रिजल्ट आएगा अगर वो इसके इक्वल हुआ, दैट मीन्स ए स्टार बी का ऑपरेशन, देन सी के साथ जो ऑपरेशन करें जो रिज़ल्ट आएगा अगर ये आपका इक्वल होगा, देन हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ओके, चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? आप कोई भी सेट जी का एलिमेंट लीजिए, सपोज मैंने ए ले लिया सेट जी का, ओके, देन इस एलिमेंट ए के लिए हमारे पास कोई एलिमेंट ई मिल जाए
कि जब भी हम ए का ई के साथ ऑपरेशन करें या फिर ई का ए के साथ ऑपरेशन करें, अगर रिजल्ट हमारा फिर से वही एलिमेंट ए आ जाता है, देन हम कहेंगे आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर आप लीजिए, आपने सेट ऑफ इंटीजर मान लीजिए जेड अंडर ऑपरेशन एडिशन। ओके, आपको पता है आप कोई भी नंबर 2 + 0 ये हमारा क्या मिलेगा, अगेन 2, दैट मीन्स हमारा 0 क्या हो गया, 0 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ओके, सो इसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट होना। ओके, आई होप आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, सो इसमें क्या होता है, आप कोई भी एलिमेंट सेट का लेंगे, सपोज मैंने ले लिया ए एलिमेंट सेट जी का। ओके, देन अगर हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए ए प्राइम, कि जब भी हम ए और ए प्राइम का ऑपरेशन करें या फिर ए प्राइम ए का ऑपरेशन करें, अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, देन हम कहेंगे ए प्राइम इज इनवर्स ऑफ ए या फिर ए इज इनवर्स ऑफ ए प्राइम। ओके, इसे हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, सो अगर कोई सेट गिवन बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या होगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी अबेलियन ग्रुप की। ओके, सो अबेलियन ग्रुप किसे बोलेंगे, अगर कोई ग्रुप एक पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, देन हम उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। ओके, सो फिर से मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, कोई ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें, देन हम उस ग्रुप को बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द सेट जी इज फाइनाइट। ओके, अगर हमारे पास कोई सेट जी है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट ग्रुप। ओके, अदरवाइज अगर फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप। ओके, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ओके, सो ऑर्डर ग्रुप क्या होगा, उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ओके, जैसे सेट में हम कार्डिनलिटी कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, उसी तरीके से हम ग्रुप में क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ओके, सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ग्रुप के। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन एडिशन, हमारा क्या फॉर्म करेगा, अबेलियन ग्रुप। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर ऑपरेशन एडिशन फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप। ओके, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल में क्या, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर ऑपरेशन एडिशन फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल है सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, हमारा क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ये भी हमारा क्या, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, सो फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, ओके, जिसमें अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ये भी हमारा क्या बनाएगा, एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्रुप हैं, इनकी डेफिनेशन आप आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको नाम बता देता हूँ। ओके, आगे हम डिटेल्स में हर एक ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो हमारा सिक्स एग्जाम्पल क्या है, क्लाइन फोर ग्रुप। सेवन्थ एग्जाम्पल में क्या है, क्वार्टरनियन ग्रुप। एट्थ एग्जाम्पल है हमारा जेड एन ग्रुप। नाइन्थ एग्जाम्पल है हमारा यू एन ग्रुप। टेंथ एग्जाम्पल है हमारा जनरल लीनियर ग्रुप। एलेवेंथ एग्जाम्पल है हमारा डायहेड्रल ग्रुप। एंड ट्वेल्थ एग्जाम्पल है हमारा परम्यूटेशन ग्रुप। ओके, और इसी में हम सिमेट्रिक ग्रुप एंड अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन हमारा है जो कि गेट 2004 में आया हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, हमारा कोई सेट आई है जिसमें इरेशनल रियल नंबर्स हैं। ओके, और एक सेट जी है जो कि यूनियन है सेट ऑफ इरेशनल नंबर और जीरो एलिमेंट का। ओके, देन
हमें क्या पता करना है, अंडर ऑपरेशन एडिशन जी हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा या फिर फॉर्म नहीं करेगा। ओके सो देखते हैं सॉल्यूशन। आपको पता है जी में हमारा क्या है, जीरो एलिमेंट है एंड इरेशनल एलिमेंट है। ओके सो हमने दो इरेशनल एलिमेंट ले लिए जी के। ओके और ऑपरेशन क्या है, एडिशन, हमने ऑपरेट कराया दोनों एलिमेंट को, आप देख सकते हैं। तो 3 + √2 + 3 - √2, ओके ऑपरेट कराने में क्या मिलेगा, ये आपका +√2 - √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा 6, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है। और जी में हमारे कैसे एलिमेंट्स हैं, इरेशनल। ओके दैट मीन्स ये जो आपका 6 है ये जी में बिलोंग नहीं करेगा। ओके सो जी में नहीं बिलोंग करेगा, दैट मीन्स हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, दैट मीन्स हमारा जो एडिशन ऑपरेशन वो बाइनरी नहीं है। सो जी हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ओके सो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो ऑप्शन सी सही है, जिसमें क्या है, नॉट अ ग्रुप सिंस एडिशन ऑन जी इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ओके सो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में Q1 एक सेट है जिसमें रैशनल नंबर हैं सिवाय वन के, वन इंक्लूड नहीं है Q1 के अंदर। ओके देन और ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड है कि ए स्टार बी हमारा क्या होगा, a + b - ab। ओके देन हमें बताना है ये जो आपका ग्रुप है Q1 स्टार, इसमें एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होगा। ओके सो फाइंड करते हैं। सो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। ओके सो हमने कोई एलिमेंट ए ले लिया और आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ई को लेट कर लिया। ओके देन हमने ऑपरेट कराया ए और ई का, और आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करेगा हमें क्या, अगेन ए मिल जाएगा। ओके सो ए स्टार ई क्या हो गया, ए। ओके और गिवन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी इक्वल्स टू a + b - ab। सो ये आपका हो जाएगा a + e - ae = a। और यहाँ से आप देख सकते हैं आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आप जब e निकालेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 0। ओके सो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया क्या है, 0। ओके अब आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सपोज मैंने क्या मान लिया, ए का इनवर्स क्या है, बी एलिमेंट। ओके सो इनवर्स की प्रॉपर्टी से क्या होगा, जब बी हमारा ए का इनवर्स है देन हमें ए स्टार भी क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई। ओके अब ऑपरेशन लगाते हैं। सो ए स्टार भी क्या हो जाएगा, a + b - ab = आइडेंटिटी क्या है, 0। ओके सो अब हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो आपका LHS में ए है उसे हम राइट हैंड साइड लेंगे, हमारा माइनस ए हो गया। हमने LHS में बी कॉमन लिया, यहाँ से बी हमारा क्या आ जाएगा, a/1 - a। ओके और बी हमने क्या अज्यूम किया था, ये इनवर्स है, दैट मीन्स हमारा ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, a/1 - a। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका नेट जून 2015 में आया हुआ। ओके सो क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपके तीन एलिमेंट्स गिवन हैं एक्स वाई एंड जेड, जो कि किसी ग्रुप के एलिमेंट हैं। और एक्स वाई जेड कैसे हैं कि एक्स वाई और जेड को जब हम ऑपरेट करते हैं हमें क्या मिलता है, 1। ओके देन हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके सो करते क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन क्या है, x y z = 1। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आप इसको एक्स वाई जेड को आप ऐसे लिख सकते हैं, x y (z = 1। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक्स वाई और जेड क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। सो मैंने लिखा है एक्स वाई एंड जेड आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके और आपको पता है अगर ए और बी इनवर्स हैं तो क्या होता है, a * b = identity एंड b * a = identity। ओके सो एक्स वाई एंड जेड जब इनवर्स हैं तो हम जेड और एक्स वाई को जो ऑपरेट करें हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। सो हम लिख सकते हैं z * x y = 1। सो यहाँ से आपको मिल गया z x y = 1। ओके और एक और तरीके से आप कर सकते हैं, आपके पास क्या गिवन है,
एक्स वाई जेड इक्वल्स टू वन, ओके। सो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई जेड। अब यहाँ से आप कह सकते हैं एक्स एंड वाई जेड आर इनवर्स ऑफ इच अदर। देखिए मैंने लिखा हुआ है एक्स एंड वाई जेड आर इनवर्स ऑफ इच अदर। अगेन आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे बी स्टार इक्वल्स टू ई, तो आप लिख सकते हैं वाई जेड इंटू एक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट वन, ओके। सो आपको मिल जाएगा वाई जेड इक्वल्स टू एक्स, ओके। सो हमें क्या मिल गया है जेड एक्स वाई इक्वल्स टू वन एंड वाई जेड एक्स इक्वल्स टू वन। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका टिफर एग्जाम 2012 में आया हुआ है और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। सो क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू वन और क्वेश्चन में पूछा है क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वाई जेड एक्स इक्वल्स टू वन होगा या नहीं, ओके। तो देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है। गिवन है हमारा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू वन। अब मैंने क्या कर दिया एक्स इनवर्स का दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। सो मल्टीप्लाई करने हमें क्या मिल गया एक्स इनवर्स इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स इनवर्स इंटू वन, ओके। सो एक्स एक्स इनवर्स जब ऑपरेट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। सो ये आपका हो गया एक्स एक्स इनवर्स क्या मिल गया वन इंटू वाई जेड इक्वल्स टू एक्स इनवर्स। अब हमने फिर से क्या करा हमने एक्स का पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। सो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल गया वाई जेड एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स और ये जो आपका एक्स इनवर्स है अगेन क्या मिल जाएगा हमें आइडेंटिटी एलिमेंट वन। सबको मिल गया वाई जेड एक्स इक्वल्स टू वन, ओके। दैट मीन्स ये जो गिवन कंडीशन है इससे हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो आपका स्टेटमेंट क्या है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी इज लेस देन और इक्वल टू फोर देन जी मस्ट बी एबेलियन। दैट मीन्स अगर कोई भी ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फोर या फोर से लेस होंगे देन वो ग्रुप हमेशा कैसा होगा एबेलियन ग्रुप होगा, ओके। सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है अगर कोई ग्रुप जी है उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि कोई भी एलिमेंट उसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिला आइडेंटिटी एलिमेंट देन वो ग्रुप कैसा रहता है अबेलियन ग्रुप, ओके। सो इसे हम प्रूफ करते हैं। सो कोई एलिमेंट आपने ए और बी ले लिया जो कि ग्रुप जी में है हमें क्या प्रूफ करना है ग्रुप कैसा होगा एबेलियन। एबेलियन होने के लिए हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए हमारा आना चाहिए यही हमें प्रूव करना है, ओके। तो हमने कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए ग्रुप जी के, ओके। सो जी हमारा जब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा सो उससे हम कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू जी, ओके। और क्वेश्चन में गिवन है कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा सो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई, ओके। अब ए बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम ए बी इंटू ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ओके। अब हमने क्या किया प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए का और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बी का, ओके। जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे हमने कलेक्ट कर लिया ए ए को साथ में कलेक्ट कर लिया और बी बी को साथ में कलेक्ट कर लिया ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और क्वेश्चन में गिवन है स्क्वायर ऑफ एनी एलिमेंट इज आइडेंटिटी सो ये जो आपका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई और ये आपका बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ओके। अब LHS को आप सॉल्व कर लीजिए LHS को आप जब सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा BA और RHS में क्या है AB आपको मिल गया BA इक्वल्स टू AB दैट मीन्स G हमारा कैसा हो जाएगा अबेलियन ग्रुप, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फैक्ट लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट ऑड ऑर्डर नॉन अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा 21, ओके। कैसे है ये आपको आगे पता लगेगा अभी आप ध्यान रख लीजिए कि स्मॉलेस्ट ऑड ऑर्डर नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होगा ऑफ ऑर्डर 21, ओके। फिर नेक्स्ट फैक्ट देखिए क्या लिखा हुआ है देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डर 4, ओके। दैट मीन्स ऑर्डर 4 की केवल सिर्फ दो ही ग्रुप हैं पहला है हमारा क्लाइन ग्रुप के फोर ग्रुप और दूसरा हमारा जेड फोर ग्रुप, ओके। दैट मीन्स अगर फोर ऑर्डर के कोई भी ग्रुप हो तो इन दोनों में से ही वो होगा या फिर
के फोर ग्रुप होगा या फिर जेड फोर ग्रुप होगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। सो फैक्ट ये है, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर फॉर्म में है, यहाँ पी क्या है प्राइम, ओके दैट मीन्स अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम के स्क्वायर के फॉर्म में है देन वो ग्रुप हमेशा कैसे होगा अबेलियन ग्रुप होगा। ओके अब इसी फैक्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इनमें से क्या होगा कि वो हमेशा अबेलियन हो। ओके सो आपको पता है ये n इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 9, ओके और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और 3 क्या होता है प्राइम नंबर। ओके दैट मीन्स 9 क्या है प्राइम के स्क्वायर के बराबर है। और अभी आपने देखा कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम के स्क्वायर के बराबर होता है वो हमेशा कैसा होता है अबेलियन ग्रुप। ओके सो आपका ऑर्डर 9 का ग्रुप कैसा होगा हमेशा अबेलियन होगा। ओके अब इसके नीचे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, है ना, खुद से पढ़ लीजिए। आपके अबेलियन ग्रुप के लिए कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लिखी हुई हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी। ओके सो आज का वीडियो यहीं तक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके अगर आप इस पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है उससे आप कॉन्टैक्ट करिए। इस पीडीएफ की प्राइस है सिर्फ 50 रुपीज़। ओके सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कॉन्टैक्ट करके आप खरीद सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।